भाई वही बछड़ा है जो परसों कॉल आई थी और तो हमें कल मिला नहीं था ना। बछड़े का ना पैर टूटा हुआ है ना, हड्डी बाहर आ गई है सामने वाले पैर। कहाँ पे है? ये पड़ा किसी ने, जो मारा हुआ है किसी लोहे से, काटा टांग काट दी। कल मिला मेरे को तो ये। किसने मारा है? आई डोंट नो, ये तो आई जस्ट फाउंड है यस्टरडे। लोग आगे पीछे से मारते हैं, बेचारे सारे जानवर की दुकान पे बैठते हैं। ये सब अपने ही हैं। अच्छा, हमारे यहाँ मैंने किए हैं, बल्कि ये हमारे नहीं हैं। थोड़ा सा पी लो, थोड़ा सा नहीं पीना। इसकी जांच करते हुए हमें कुछ ऐसा दिखा कि हमें लगा हमारे तो फार्म के सारे रेस्क्यूज ही खतरे में पड़ गए। हड्डी बाहर है? हड्डी बाहर है। जो हो गई वो तभी हड्डी अंदर से आ रही थी, तो सालिंग भी है ना। सर मेरे को इसके बॉडी पे लंप्स भी नजर आ रहे हैं, चेक करो। मेरे को दो फील हुए अभी, एक यहाँ पे है। एक डिजीज फैली हुई है जैसे हरियाणा में, पंजाब में, और ये हमारे बनाला तक भी आ गई है। एलएसडी जिसको लंपी स्किन डिजीज कहते हैं, ये बहुत जल्दी फैलती है। इसको फीवर भी है, इसको लंप्स भी है। अभी सर लिम्फ नोड चेक कर रहे हैं, कुछ ऐसे सिम्टम्स हुए तो हम लोगों को बहुत इमरजेंसी में भी सोचना पड़ेगा कि हमें कैसे अटेंड कैसे करना है, क्योंकि अगर ये डिजीज यहाँ फैल गई, हमारे यहाँ जितने भी हैं वो सारे पेशेंट्स हैं, सबका इम्यूनिटी डाउन है। अगर एनिमल बच गया तो बच गया, जिसकी इम्यूनिटी डाउन है वो नहीं बच। जैसे वही पार्वो वाला हिसाब है ना कि फैलेगा बड़ी जल्दी। मेन कैरियर फ्लाइज और मस्किटोज ही होते हैं जो एक एनिमल से दूसरे एनिमल तक ये ट्रांसफर करते हैं। उसका हेल्थ चेकअप करने के लिए भी ब्लड टेस्ट ले रहे हैं ताकि हम श्योर हो सके कि कितने चीज़ें इसके इम्यूनिटी डाउन होने की तरफ बता रही हैं, कितनी चीज़ें सही है। एक दो ही लम्ब दिखे ना, ब्लड टेस्ट लेने के बाद भी सिर्फ एक चीज़ है ना जो उसकी तरफ इंडिकेट कर रही है, हम श्योर नहीं है। मैं कह रहा हूँ, मान लो अभी तो आप श्योर नहीं हो, पर अगर आप इसके बारे में श्योर होते तो क्या करेंगे हम इसको, लाइक छोड़ाएं वापस, कैसे करें? सर ये तो फिर वही फैलेगा ही, और दूसरा ये कि हमारे पास आइसोलेशन तो है नहीं। हाँ नहीं, मतलब इस तरह की आइसोलेशन तो नहीं है जहाँ पे टिक यहाँ से वहाँ ना जाए या मक्खी यहाँ से वहाँ ना जाए, वो तो नहीं कर सकते। सत्य हो रहा था ना अंदर, तो उसको बेडिंग चेंज करने आए थे तो थी। दूसरा फिर भी मैंने कंफर्म किया कि जो लोग फीड करते हैं, जो लोग रेगुलर ड्रेसिंग करते हैं, उनको तो कुछ मतलब लगा नहीं कि कुछ माइनर इनकन्वीनियंस इसको फील हो रही है या कुछ भी ऐसा, सब कुछ ओके था। लास्ट टू डेज से हम लोगों ने काउस की कंटिन्यू बहुत बारिश हो रही है ना, इसलिए निकाला नहीं था। लेकिन हाँ इतना तो मेक श्योर करते ही हैं कि भाई सब साफ सुथरे और पड़े हैं कि नहीं है, क्योंकि फिर ड्रेसिंग यहीं पर होती है लगभग। सर सुबह 9:30 से 12 बजे तक तो यही रहता है ना मोस्टली लोग काउशेड में। सेकेंड हाफ में भी कल हमारी लास्ट चेकअप कब हुआ था, आफ्टर 5, उसमें भी सब ओके था, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग सारे ऑइंटमेंट्स और जो भी मेडिकेशन रहता है वही करते हैं बीआईडी वाला, कुछ कुछ आइडिया भी नहीं लग रहा है। डॉग है उसको, वो कह तो रहे चीता ने बाइट किया, लेकिन हमें श्योरिटी नहीं है। बाइट है गले में, सूजन काफ़ी ज़्यादा है, घाव है, तो अगर अभी रेस्क्यू नहीं किया बाद में केस बहुत बुरी तरीके से ख़राब हो जाएगा, हमारे पास बिल्कुल जगह नहीं है। तो हम फर्स्ट ट्राई तो करते हैं कि कहीं पे भी अगर सेटल करा पाए या ट्रीट ऑन स्ट्रीट हो जाए, तो उसके चलते हमने धर्मशाला एनिमल रेस्क्यू में प्रतिभा से बात की, वो लेने को तैयार है डॉग। जस्ट वन थिंग टू राइट, चीता इंडिया में नहीं मिलता, तेंदुए ने किया वो। उन्होंने चीता ही बोला ना? हाँ वो उनको पता नहीं होगा, उसको तेंदुए ने बाइट किया। बस हार्डनेस ही है ना उसका, वोन तो पूरा ठीक हो गया है। वोन पूरा ठीक है, वो हार्डनेस तो बहुत ही स्लो कम हो गया। जो हमारा भस्मासुर है उसको नगरोटा शिफ्ट कर रहे हैं वापस, क्योंकि इसके सिर्फ बोलस बचे। घाव तो पूरा ठीक हो गया, बस जो सूजन है वो रह गई है और कम हो रही है पहले से। तो जो सूजन के लिए क्या है ना, उसमें कोई पेन नहीं है, बस वो हार्ड बन गया है कैलस जैसा, उसके लिए हम लोग वहाँ पर उसको बोलस देते रहेंगे दोनों टाइम, क्योंकि गौरव नगरोटा में ही रहता है। इसको छोड़ के वहाँ से जो बोल रहे हैं जिसका मार्केट मूल्य है बहुत बड़ा, जिसके लिए हम कल से कोशिश कर रहे हैं, उसको यहाँ पे फाइनली शिफ्ट कर पाएंगे। नगरोटा में एक केस है बैल का, उसके चलते पेट में घाव है काफी और वहाँ पे काफी मैक्स पड़ गए हैं। एक्शन। कुछ हिस्ट्री, कुछ लड़ाई, मत लगा पर मैं तुझसे पूछ रहा हूँ कहाँ हुआ, किसने मारा, किसने लगी? तू तो मेरे पे पूछा कर रहा है, मैं तो ना मारा है, मैंने मारा, मैंने मारा नहीं, मैंने मारा।
पीठ पे एक जख्म है, थोड़ा ड्राई था, मतलब कोई इसकी ट्रीटमेंट पहले से कर रहा था, किसी ने ट्रीटमेंट ना किया होता, उसमें से बड़ी स्मेल भी आनी थी और मैगेट्स भी पड़े हुए थे, तो मैगेट्स भी नहीं दिखे हमें अभी, जो लेयर बनके उस पे अंडे दिए हुए थे मक्खियों ने, पर वो हमने स्क्रैप आउट कर दिए और बिटाडीन से क्लीन किया और हमने उस पे फिर हल्दी का पेस्ट लगा दिया अभी। पर इसके दूसरी तरफ पे स्मॉल स्मॉल ग्रोथ्स हैं। तो उसका हमें भी देखना पड़ेगा कि वो क्या दिक्कत है, क्योंकि बाहर से देखने में तो ऐसा नहीं पता चल पाएगा। हो गया बच तो उसको इंजरी थी जिसकी वजह से उसका पूरा जो फेस का सामने वाला स्ट्रक्चर है वो कार्व था, मैगेट्स काफ़ी ज़्यादा थे, उसकी नेजल लाइन भी डैमेज थी काफ़ी हद तक। लेकिन जब हमने ट्रीटमेंट शुरू की तो एंटीबायोटिक कोर्सेज वगैरह तो सारे चल रहे थे, वुंड भी हमने क्लियर कर दिया था, लेकिन जो उसका चेस्ट कंजेशन था और जो उसका नेजल लाइन टूटा हुआ था उसके वजह से उसको ब्रीदिंग इशूज़ काफ़ी होने लगे थे, जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई। कहाँ मिला आपको ये? घेरा रोड पे। तो तीनों साथ में थे? तीनों साथ में थे। इसको शायद थोड़ी चोट लगी है क्योंकि हमारे ऊपर एक कुत्ता रहता है, उसने पकड़ लिया था। ये लग रहा है पापा किसी ने अबैंडन किया, क्योंकि इनको लेटर भी यूज करना आता है, बहुत कंफर्टेबल है, देखने से तो काफी हेल्दी लग रहे हैं। आई थिंक ही ये ही है, बाकी दो शी हैं। कैटरी भी नहीं है हमारे पास, घर में ही रखना पड़ेगा, यहाँ तो रख नहीं सकते, डॉग्स हैं सारे और कैटरी है नहीं हमारे पास, वो तो छोटी छोटी बच्चे आती है, वो तो घर में चलो फिर भी एडजस्ट कर लेती थी मैं, लेकिन इतने बड़े बड़े कहाँ एडजस्ट करूंगी, इनको तो सच में एक अलग से रूम देना पड़ेगा। अच्छा केज लगाओ। इस हफ्ते हमने स्पेस सर्जरी की ड्रामा की और न्यूटर सर्जरी की सुदर्शन की। ड्रामा प्रेग्नेंट थी लेकिन हम उसका अल्ट्रासाउंड नहीं करा पा रहे थे, और फिर हमने कि नहीं ये प्रेग्नेंट ही होगी बोल के हमने उसकी स्पेस सर्जरी करी, कि अगर नहीं भी हुई तो एटलीस्ट उसका स्पे हो जाएगा। सुदर्शन की सर्जरी के बाद उसके एस्टिकल्स वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी, काफ़ी क्लॉटिंग हो गई थी, लेकिन उस टाइम पर ही इमरजेंसी में हमने सारा कुछ क्लीन कर दिया, अंदर से जो फ्लूइड है वो भी निकाल दिया था, और उसकी फिर एंटीबायोटिक कोर्स प्रॉपर चली है, और अभी एक दो दिन बचे, अभी बेटर है कंडीशन काफ़ी, लेकिन थोड़ा सा समय तो लगेगा हीलिंग में। सुदर्शन का ये इलाज हमें नेट में ही करना पड़ा, क्योंकि सुदर्शन को पकड़ने जाओ तो एग्रेसिव हो जाता है और उसकी चोट भी बिल्कुल गर्दन में ही है। आप ये मान लो कि सुदर्शन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। चूजाक्स का हमने प्लास्टर किया था, उसका प्लास्टर लूज हो गया था और उसका अभी फ्रैक्चर भी पूरा हील नहीं हुआ था, इसे हमें प्लास्टर खोलना पड़ा, थोड़ा ही बचा था हील होने को, तो हमने भी उसकी स्प्रिंटिंग किया ताकि उसको टांग को थोड़ा फिर भी सपोर्ट मिले, और सप्लीमेंट्स उसके चल ही रहे हैं कैल्शियम वाले ताकि उसकी बोन की हीलिंग को हेल्प मिले। ये डॉग हमने चंबा से रेस्क्यू की थी, और इसके लिए काफ़ी टाइम पहले से जो इसके इन्फॉर्मर है वो हमसे जुड़े हुए थे, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, यहाँ पर जगह भी नहीं मिल पा रही थी, ट्रांसपोर्टेशन का भी इशू आ रहा था, एक टैक्सी वाला रेडी हुआ उस डॉग को लाने के लिए, दिक्कत ये थी कि उसको पीछे वाले हिस्से से ब्लड आ रहा था, फिर हमने यहाँ से सारा कुछ प्रिपेयर किया, केज वगैरह तैयार किए और डॉग के लिए यहाँ से भेजा, उन्होंने सारा कुछ खर्चा खुद ही उठाने का फैसला लिया और टैक्सी वगैरह की पेमेंट उन्होंने खुद की। डॉग हमारे पास है, उसका चेकअप हो चुका है, ट्रांसमिसिबल वेनेरियल ट्यूमर है जिसको हम टीबीटी बोलते हैं वो हुआ है, तो उसके लिए अभी हमने इसकी कीमोथेरेपी शुरू कर दी है, अब हम इसके सप्लीमेंट्स भी चलाएंगे क्योंकि ब्लड लॉस भी ज़्यादा हो रहा है इसका, तो सप्लीमेंटेशन देना ज़रूरी है ताकि ब्लड लॉस ना आए इसमें और ये एनीमिक ना हो, तो उसका भी हम खास ध्यान रखेंगे।